गुड मॉर्निंग क्लास 11। टुडे वी विल रीड आर न्यू लेसन, लेसन 5, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट शोड। एलिंग का मतलब होता है बीमार, और प्लैनेट यानी कि हमारी धरती, और ग्रीन मूवमेंट शोड यानी कि हरित आंदोलन का उसमें क्या रोल है, जो हमारी अर्थ जो बीमार पड़ चुकी है, जो बीमार पड़ती जा रही है, उसका उसमें ग्रीन मूवमेंट ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया, क्या क्या उसका योग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या क्या उसका योगदान रहा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे नानी पालकी वाले ने लिखा है। नानी पालकी वाला जो इसके ऑथर है, सबसे पहले उसके उनके बारे में मैं कुछ बता दूँ। नानी पालकी वाला इज एन इंडियन जूरिस्ट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये एक भारतीय लॉयर वकील थे और भारतीय अधिकारों का संरक्षण करने वाले थे। ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 16, 1920 इन बॉम्बे, नाउ इन मुंबई। इनका जन्म 16 जनवरी 1920 को मुंबई में हुआ और इनकी जो डेथ है वो 11 दिसंबर 2002 में हुई। ये इंडिया में इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संवैधानिक हमारा जो कानून है उसको उसकी रक्षा करने के लिए उसको बनाने में सबसे ज़्यादा इनका उस फेम में इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब इन्होंने जिसको सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया हमारे जो हमारा संवैधानिक जो कानून है उसको संरक्षण दिया, उसकी पालना की एंड गवर्नमेंट फाइनेंस, और साथ ही साथ इन्होंने जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो भी इन्होंने देखे। अब हम बात करते हैं इस लेसन की कि इस लेसन क्या है। सो दिस लेसन फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एली का मतलब है बीमार और प्लैनेट मीन्स अर्थ, यानी कि जो बीमार पड़ी हुई अर्थ है ये उस पर फोकस्ड है कि हमारी अर्थ किस किस वजह से बीमार पड़ती जा रही है। और ये जो चैप्टर है ये एक आर्टिकल था जिसे नानी पालकी वाला ने लिखा था, और एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था इंडियन एक्सप्रेस 23 नवंबर 1994 को उसमें पब्लिश हुआ था। कहने का मतलब बेसिकली एक आर्टिकल है, ये कोई लेसन नहीं है, लेकिन इसमें आप एक लेसन के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें 23 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था। और अब हम अपना जो आगे का लेसन है वो अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इस लेसन में क्या क्या बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। सो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये आर्टिकल जो है नानी पालकी वाला की तरह लिखा गया था, 24 नवंबर 1994 को ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। और ये हमारा जो लेसन है ये जो हमारी अर्थ की जो स्थिति, अर्थ का जो स्वास्थ्य है उसकी गिरावट के बारे में, मतलब वो जो डे बाय डे उसकी जो स्वास्थ्य है हमारी धरती का वो गिरता जा रहा है उसके बारे में है। और ये आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में जितना कि ये उस समय जब लिखा गया था तब। सो राइटर कह रहा है वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज अ ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। हम ऐसा कोई भी आंदोलन जो विश्व इतिहास में हुआ उसको इतनी अच्छे से याद नहीं कर सकते, या ऐसा कोई आंदोलन हमें याद नहीं है विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिससे पूरी मानव जाति का की जो सोच थी उसको जकड़ कर रख दिया था, सो कम्प्लीटली पूरी तरीके से उसको बदल कर रख दिया था, एंड सो रैपिडली और इतनी तीव्र गति के साथ एज अ ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। उस हरित क्रांति आंदोलन जो हुआ था जो 25 साल पहले करीबन शुरू हुआ था, उस जिस तेज़ी से वो आंदोलन चला उस तेज़ी से ही हमारी जो व्यूज थे, हमारी जो इमेजिनेशन थी वो भी बदलती चली गई। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फर्स फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में इस दुनिया की सबसे पहली पूरे विश्व में जो एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था ग्रीन पार्टी, उसकी स्थापना न्यूजीलैंड में की गई। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक। उस दिन का दिन है और आज तक उस ये जो आंदोलन जो अभी तक इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, मतलब ये आंदोलन आज भी उसी तरीके से जारी है जब इसकी स्थापना की। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. हमने हमारे जो hopes हैं, हमारी जो आशाएं हैं, हमने उनको irrevocably का मतलब होता है जिसको हम बदल नहीं सकते,
हमने उनको इस तरीके से चेंज किया है जिनको हम बदल नहीं सकते, यानी कि हमने उनको कैसे चेंज किया है, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। हमने उसको एक फिजिकल, जो इस तरीके से हम उसको एक अंग के रूप में, एक हिस्से के रूप में हम उसको देखा करते थे, अब हमने उसको एक समग्र, होलिस्टिक मतलब होता है समग्र और इकोलॉजिकल मतलब होता है पारिस्थितिक, हमने उसको एक मैकेनिस्टिक व्यू की तरफ की बजाय, यानी कि हमने उसको एक फिजिकली अपने फिजिकल विचारों की बजाय हमने उसको एक समग्र और पारिस्थितिक रूप से संसार के पारिस्थितिक नज़रिए के रूप में देखना शुरू किया है। हमने मतलब मैं इसको वापस क्लियर कर दूँ कि अभी तक अब जो हमारा जो व्यू था देखने का वो एक ही नज़रिया था, एक ही पहलू से देखा करते थे हम चीज़ों को, लेकिन अब हमारे देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। हमारे व्यूज़ जो हैं अब वो मैकेनिस्टिक व्यू से, यानी कि एक फिजिकल या एक कह सकते हैं कि एक हिस्से को नहीं देखते हैं, बल्कि आप होलिस्टिक यानी कि समग्र पूरे और पारिस्थितिक व्यू को, जो संसार का पारिस्थितिक नज़रिया है उसको देखते हैं। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। ये जो शिफ्ट हुआ, मतलब ये जो विचारों का आदान, मतलब ये जो विचारों में परिवर्तन आया, ये उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि जब कोपरनिकस ने ये बताया था इन द 16th सेंचुरी में दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि अर्थ और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस। इस ह्यूमन हिस्ट्री में, इस मानव इतिहास में पहली बार ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, इस पूरी दुनिया में एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता आई है दैट द अर्थ इट्सेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को लेकर कि जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो खुद एक जीता जागता अंग है। एन इनॉर्मस बींग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक ऐसा विशाल हिस्सा, इनॉर्मस मीन्स एक विशाल प्राणी जिसका कि हम एक हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी खुद की एक आवश्यकताएँ हैं, मेटाबॉलिक, जो हमारे शरीर के अंदर जो एक मेटाबॉलिज्म बनता है उसको कहा जाता है, तो यानी कि जो केमिकल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर बनता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो कि एक अब हमारे कि हमको ये समझ में आ गया है कि धरती की खुद की भी कुछ रासायनिक ज़रूरतें हैं एंड वाइटल प्रोसेसेस, और कुछ ऐसी एक आवश्यक बदलाव है, एक आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसकी ज़रूरत है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें और उनको संरक्षित करके रखें। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ के जो वाइटल जो ज़रूरी साइंस हैं वो क्या प्रकट करते हैं, अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि धीरे धीरे हमारी अर्थ जो है वो हेल्थ वाइज गिरती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। अब हमें यह एहसास करना शुरू कर देना चाहिए और एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारी जो नैतिक, एथिकल मीन्स जो हमारी नैतिक ऑब्लिगेशंस मीन्स जिम्मेदारियाँ, कि जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं टू बी गुड स्टीवर्ड्स, कि हम एक अच्छे हेल्पर्स बने, स्टीवर्ड्स मीन्स एक अच्छे हेल्पर्स बने ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट यानी कि इस धरती के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और साथ ही साथ हम इसके एक जिम्मेदार संरक्षणकर्ता बने ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम इस वसीयत को, लीगेसी में इस वसीयत को अपनी आने वाली जनरेशन्स को दे सकें। सो अभी तक जो ये कि राइटर सिर्फ ये कहना चाहता है कि अब हमें अर्थ को भी अब एक जीता जागता एक अंग समझना होगा, अभी तक हम अर्थ को एक निर्जीव चीज़ समझते थे, अब वो चीज़ों से हटकर हमें अर्थ को एक सजीव चीज़ के रूप में दिखना होगा, और साथ ही साथ हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना होगा, तभी हम अपनी इस चीज़ को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।